हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज को हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के लिंक में हमारे चैनल पे मौजूद डीएवी 8 क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सारा जो बुक एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की वो कंप्लीट आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। कौन सी टर्म यूज़ की जाती है उन प्लांट्स को डिनोट करने के लिए जो बिना ह्यूमंस की हेल्प के अपने आप उग जाते हैं? द आंसर इज नेचुरल वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, यानी गर्म और नमी वाले एरियाज में उगती है? द आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कॉमन ट्रीज कौन कौन से हैं? द आंसर इज कॉमन ट्रीज की अगर बात करें हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, द आंसर विल बी साल एंड टीक। आगे आता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनमें इन चारों में से कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? द आंसर इज स्पाइनी एंड वैक्सी लीव्स, यानी कांटेदार पत्तियां और लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, एक चिकनी सी कोटिंग होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। आगे आता है जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन इंटरफेरेंस। हम लोग लगातार नेचर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, नेचर में बदलाव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। आगे आता है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज को कहा जाता है? द आंसर विल बी नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज को। आगे आता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके ऊपर प्लांट ग्रोथ डिपेंड करती है। द आंसर विल बी टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। ह्यूमस जो होती है वो सॉइल की क्या मेंटेन करती है? द आंसर इज फर्टिलिटी। यहाँ पे आपके आंसर्स गिवन है। फर्स्ट का आंसर नेचुरल वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, सेकंड का आंसर, थर्ड का फर्टिलिटी, फोर्थ देखती है हार्डवुड ट्रीज के पास चौड़ी चौड़ी और ब्रॉड लीव्स होती हैं ताकि सरप्लस मॉइस्चर का क्या किया जा सके? द आंसर इज ट्रांसपीरेशन। स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन हमने लेसन में डिस्कस किया है जहाँ मैंने आपको बताया था ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वाटर का स्टोमेटा के हेल्प से इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में चले जाने को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रांसपीरेशन। टीक जो पेड़ है वो कौन से फॉरेस्ट में जनरली पाया जाता है? द आंसर इज मॉनसून फॉरेस्ट में। आगे आता है एक टेक्निकल टर्म या वन वर्ड आंसर देना है हमें। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट जो कभी भी अपनी लीव्स शेड नहीं करते, द आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आंसर इन वन वर्ड का स्टूडेंट्स फर्स्ट है, ऐसे फॉरेस्ट जो कि एक ही वक्त पे अपनी लीव्स नहीं झाड़ते, जिन फॉरेस्ट के पेड़ एक ही टाइम पे लीव नहीं झाड़ते, उसका आंसर आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, समर्स ड्राई होते हैं और विंटर्स में हल्का फुल्का रेनफॉल होता है, उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। कॉनिकल शेप की लीव्स पाई जाती हैं, कॉनिकल शेप के ट्रीज पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। द आंसर इज टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। द आंसर विल बी सॉफ्टवेयर की जगह स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉफ्टवुड आएगा। आगे आता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स, नए जंगलों को उगाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द आंसर इज अफॉरेस्टेशन। ठीक है, आंसर इसको अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। आगे आता है वो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट जो कि हिमालयाज की साउथ स्लोप्स में मिलते हैं, आंसर इज माउंटेन फॉरेस्ट। अब हमें पार्ट डी करना है, आंसर इन ब्रीफ। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन फॉरेस्ट की सारी लीव्स एक ही बार में, सारे ट्रीज एक ही बार में लीव्स शेड नहीं करते, यानी ये साल भर हरा भरा लगता है देखने में, इसीलिए इसको एवरग्रीन यानी सदाबहार, सदा हरा रहने वाला कहा जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट समर सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं क्यों, और इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले दो ट्रीज के नाम बताइए। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट समर सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर कंजर्व कर सकें। स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और दो मेन पेड़ जो यहाँ पाए जाते हैं, साल एंटीक। तीन फीचर्स बताने हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के फीचर्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है ईस्ट फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज जो होते हैं उनके पास स्पाइनी यानी कांटेदार, वैक्सी यानी जिनके ऊपर चिकनी परत होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, और लेदरी टेक्सचर्ड, लेदरी टेक्सचर नहीं, उनका जो फील होता है वो लेदर जैसा होता है,
वैसी लीव्स पाई जाती हैं। इसकी लीव्स वाइडली स्कैटर्ड यानी दूर दूर तक फैली होती हैं, लीव्स काफ़ी कम होती हैं। इनके प्लांट्स की रूट्स लंबी लंबी होती हैं, बार्क थिक होती है, जिसकी वजह से ड्राई समर सीजन में अपने अंदर के मॉइस्चर को बचाए रख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे हैं ऑलिव और सिट्रस फ्रूट्स ट्रीज। आगे आपका आता है जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, गोल्डन जैकल, मफलन, बिजोर गॉट, आर्डवुल्फ, मेडिट्रेनियन गेको, ये यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें डिफ्रेंशिएट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। एक नेशनल पार्क उस वेल डिफाइंड एरिया को कहा जाता है जहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। विजिटर्स यहाँ पे विजिट तो कर सकते हैं लेकिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का राइट किसी को नहीं होता एक नेशनल पार्क में। फायरवुड और टिम्बर कलेक्ट करने का कोई भी हक किसी भी बंदे को नहीं होता। आगे आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नेशनल पार्क के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं। एनिमल हंटिंग और ट्री फेलिंग तो हम कर नहीं सकते लेकिन टिम्बर कलेक्शन, फायरवुड कलेक्शन की थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती है। आगे आता है आपका सजेस्ट एनी थ्री इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने कुछ स्टेप्स बताए हैं। अफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को उगाओ और फॉरेस्ट को दोबारा रिजुविनेट करो, दोबारा उनको रिवाइव करवाओ। ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, हर एक को अपनी लाइफ टाइम में एक प्लांट को नर्चर करना है, एक प्लांट को पालना है, इस पॉलिसी को प्रोपगेट करो। फॉरेस्ट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और यूसेज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स यानी लकड़ी की जगह अगर आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप पेड़ों की लकड़ी काट लाएं। आगे आता है एनफोर्समेंट ऑफ अ नंबर ऑफ लॉज, कई सारे कानून और गाइडलाइंस बनाई गई हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करने का काम किया है सरकार ने, जो ट्राइबल पीपल आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं सरकार ने उनको अवेयर करने की कोशिश की है, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि वो जंगलों के पेड़ों को ना काटें। आगे आता है नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है, ये पार्ट ई का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। टेम्परेचर और रेनफॉल नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट स्पीसीज मिलते हैं, जितने भी प्लांट्स मिलते हैं उन सबको मिला के नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। टेम्परेचर और रेनफॉल दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह पर पाई जाने वाली प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर जंगल भी थिक होते हैं, घने होते हैं। रेनफॉल जहाँ कम होता है वहाँ पे पेड़ों का साइज और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। श्रब्स यानी झाड़ियाँ और छोटे पेड़ मिलते हैं उन एरियाज़ में जहाँ लो रेनफॉल होता है, ठीक है, या फिर डेजर्ट एरियाज में। कोल्ड रीजन्स में ग्रोइंग सीजन काफ़ी छोटा होता है इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड पैचेज यानी कहीं कहीं थोड़े थोड़े प्लांट्स मिलते हैं कहीं कहीं पैचेज में, ठीक है, जैसे मोइसिस और लाइकेन्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो टेम्परेचर और रेनफॉल, देखो सूटेबल टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, ये दोनों हॉट टेम्परेचर खासकर, ये दोनों चीज़ें फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए हाईली बेनिफिशियल हैं। अगर आप रेन फॉरेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको अक्सर हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि दोनों ही चीज़ें प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस और कॉनिफरस फॉरेस्ट में भी डिफ्रेंशिएट करना है। पहली बात तो ये जो फॉरेस्ट हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ये इंडिया, म्यांमार, साउथ चाइना, ईस्ट ब्राज़ील और अमेरिका के सेंट्रल पार्ट्स में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो फॉरेस्ट हैं हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर एल्टीट्यूड्स में, यूरोप, एशिया, नॉर्थ कैनेडा और यूएसए की माउंटेन्स में पाए जाते हैं। आगे आता है इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, इनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इनकी ट्रीज ड्राई सीजन में मॉइस्चर बचाने के लिए अपनी लीव्स शेड कर देते हैं और इन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं वो कभी शेड नहीं होती। आगे आता है यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो 30 से 40 मीटर होती है, जबकि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में टॉल और कॉनिकल शेप के ट्रीज़ पाए जाते हैं। कॉमनली फाउंड ट्रीज़ जो हैं इन फॉरेस्ट में है साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम, और यहाँ पाइन, फर, स्प्रूस, सिदार, देवदार एंड वॉलनट मेनली फाउंड ट्रीज़ होते हैं।
आगे आता है फॉरेस्ट जो होते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए यानी प्रूव कीजिए। बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स ये सारे जंगल में ही रहते हैं, जंगल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, यानी जंगल सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। हर जगह पे वाइल्ड लाइफ अलग अलग मिलती है क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप लेह लद्दाख की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। अगर आप थार डेजर्ट में जाओगे, राजस्थान की तरफ जाओगे, तो वहाँ आपको अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। अगर आप वेस्टर्न घाट्स वाले फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग मिलती है। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक बक, यहाँ ब्लैक बक आएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक बक, पिकॉक, लॉयन, बंगाल टाइगर, ये इंडिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोआला बेयर, यहाँ पे कोआला आएगा स्टूडेंट्स, KOALA, कोआला, कोआला बेयर, इमू, कुकाबुरा, दिस इज कुकाबुरा, कुकाबुरा ये मेन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वहाँ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइल्ड लाइफ को हम एस्थेटिक वैल्यू से भी जोड़ के देखते हैं, यानी हम कई धर्म जो हैं दुनिया के कई धर्म पेड़ों की या पशुओं की, प्लांट्स की या एनिमल्स की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी हम गाय को पवित्र पशु मानते हैं, जानवरों को मतलब मारना अच्छा नहीं मानते हैं, और हम बहुत सारे पेड़ों की पूजा भी करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को जॉब मिलती है। एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है वो नेचुरल डिजास्टर के दौरान चेंज हो जाता है। सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं अगर हम जानवरों से इन्फॉर्मेशन ले सकें तो। इसके अलावा जानवर और प्लांट्स मरने के बाद ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। यानी अगर आप अपने यहाँ पाए जाने वाले इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको फॉरेस्ट का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। फॉरेस्ट ही इस अर्थ की लाइफ लाइन्स हैं, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। हमारी ऑक्सीजन डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो। आगे आता है वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस बताइए। पहली बात तो हर तरह की वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे यहाँ बना हुआ है अर्थ पे, तो वो इसीलिए क्योंकि अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ वेराइटीज़ यहाँ मिलती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद ह्यूमस में चेंज कर दिए जाते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। वल्चर्स जैसे बर्ड्स स्क्वेंजर्स होते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, सड़की हुई लाशों को साफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा। आगे आता है आपका ह्यूमन बींग्स वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की डिप्लीशन के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला पॉइंट, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया गया मीट के लिए, स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, जिसने इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरा बना दिया है। दूसरा, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिससे लैंड की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए, हैबिटेशन यानी रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, रोड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम पेड़ काट के डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से हम वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आगे आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक और देन है ह्यूमन पॉपुलेशन की, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ज़बरदस्त डैमेज पहुंचाया है, ठीक है। हीट इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, लोकलाइज यानी एक ही जगह पे हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे वाइल्ड लाइफ को सीरियस थ्रेट होने लगा है। आगे आता है स्टूडेंट्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, इसने पहले हमें चिपको मूवमेंट के बारे में बताया है। चिपको मूवमेंट गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी के विचारों पर आधारित थी, यानी चिपको आंदोलन जिन्होंने किया था, उन्होंने एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया था, और उन्होंने ये स्ट्रगल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया था। इस स्ट्रगल में मेनली विमेन यानी औरतें इंक्लूडेड थी। उन्होंने इस मूवमेंट में पेड़ों को हग कर लिया था, यानी चिपक गई थी पेड़ों को, टाइट कस लिया था पेड़ों को। इन्होंने कहा था कि अगर आप लोग पेड़ काटना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को हमें काटना होगा। विमेन जो थी वो वर्स्ट अफेक्टेड थी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि पानी की कमी, लैंडस्लाइड्स, जंगल में लकड़ी की कमी, जानवरों के चारे की कमी का सामना करना पड़ता था, और इन हाउसहोल्ड प्रॉब्लम्स का सबसे ज़्यादा सामना जो थी वो लेडीज़ करती थी। इसलिए वो बड़ी परेशान हो गई जब उनके पास के एक जंगल में कॉन्ट्रैक्टर पेड़ों को काटने आए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर सरकार से परमिशन लेके आए थे
लेकिन उस गांव की लेडीज ने जाके जंगल के पेड़ों को हक कर लिया और कहा कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा, पहले हमें मारना होगा। आगे आता है चिपको मूवमेंट को फाइट फॉर सर्वाइवल क्यों कहा जाता है। देखिए, फाइट फॉर सर्वाइवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जंगलों को बचाया था, उन्होंने जंगल को बचाया था और जंगल हमारी लाइफ लाइन्स हैं, इसलिए फाइट फॉर सर्वाइवल कहना चिपको मूवमेंट को गलत नहीं होगा। फॉरेस्ट जो होते हैं वो लाइवलीहुड का सबसे मेन सोर्स हैं, खासकर माउंटेन्स में। 1970 और 1980s के आसपास लोग पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे। ये मूवमेंट गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में आता है शायद, ये गढ़वाल में, टीरी गढ़वाल बोलते हैं उसको, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 1974 में शुरू हुआ था ये। जब पेड़ काटने वाले पेड़ों को काटने आए तो लोगों ने पेड़ों को हग कर लिया, गले लगा लिया, ठीक है, चिपक गए पेड़ों के साथ और मूव करने से मना कर दिया। ये मूवमेंट पूरे इंडिया में फैलने लगा और चिपको मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। चिपको का मतलब चिपक जाओ, यानी पेड़ों को गले लगा लो। विलेजर्स पेड़ों को गले लगा लेते थे और पेड़ों को कटने नहीं देते थे। इस मूवमेंट ने कई हज़ार पेड़ों को गिरने से बचाया इंडिया में। आगे आता है, ऐसे तीन लेसन्स बताइए जो हमें चिपको मूवमेंट से सीखने को मिलते हैं। पहली बात तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन सीखने को मिलता है, क्योंकि ट्राइबल लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनको काटा नहीं जाना चाहिए। फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट का मतलब आप किसी को भी झुका सकते हैं अगर आपका मोटिव सही है और आप अपने बात को लेकर डिटर्मिंड हैं तो। इस मूवमेंट ने यूनिटी इनर स्ट्रेंथ, बहुत सारे लोगों ने यूनिटी दिखाई, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के पास दिए हुए ऑर्डर को भी कैंसिल करवा दिया। आगे आता है स्टूडेंट्स मैप स्किल में। मैप स्किल में हमें येलोस्टोन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंडिया में, काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया में, एक्रिंस नेशनल पार्क फ्रांस में और चार्ल्स डार्विन नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में हमें मार्क करना है। देखिए देखिए यहाँ पे मार्क कर रखा है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पे मार्क है देखिए मैप में, काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्स डार्विन नेशनल पार्क भी मार्क्ड है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दो नेशनल पार्क और रह गए हैं, यहाँ पे उन्होंने मार्किंग की है वर्ल्ड मैप में उसकी, एक्रिंस नेशनल पार्क और येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये स्टूडेंट्स आपका मैप स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मैप स्किल का क्वेश्चन था आपको, मैप स्किल का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आगे आता है स्टूडेंट्स मैप स्किल क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आता है समथिंग टू डू। समथिंग टू डू में क्या कहा गया है, पहली बात तो इंडिया में पाए जाने वाले कुछ नेशनल पार्क्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो हमने एक टेबल बनाया जिस टेबल में हमने नेशनल पार्क का नाम, वो किस स्टेट में आता है और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है, वहाँ लेपर्ड्स नीलगायें और क्रेन्स को बचाने की कोशिश की जाती है। इंडियन लायंस की प्रोटेक्शन के लिए गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है आसाम में जहाँ एलिफेंट्स और गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, टाइगर्स और क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए उत्तराखंड में कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। आगे सेकेंड और जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको एक में तो स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है अपने आसपास के प्लांट्स के बारे में, दूसरे में आपको लीव्स के स्पेसिमन इकट्ठे करने हैं, तो ये आपको खुद ही करने होंगे, ये किसी भी वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।